तो आइए अब इस टॉपिक के दूसरे वीडियो की बात करते हैं, जो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और लिक्विड्स और गैसेस दोनों में ही एक फ्लोइंग नेचर होता है। इनको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं लिक्विड्स की। यहाँ पे हम वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसको आपने आधा पानी से भर दिया है। अब आपने इस कंटेनर को ऊपर लिड से क्लोज कर दिया है। अब वाटर एक तब वो विद टाइम इवेपोरेट होते जाएगा। तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होते जाएगा, वैसे वैसे वाटर के वेपर मॉलिक्यूल्स वाटर के लिक्विड लेयर के ऊपर इकट्ठा होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते जाएंगे, ये और आने वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे, मतलब कि ये और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने से रोकेंगे, से ये कंडेंसेशन करेंगे। तो धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होने लगेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन पे, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो आइए अब देखते हैं वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का रिवर्स से वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वेपर प्रेशर भी घटेगा, और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। अब हमने वेपर प्रेशर को समझ लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर पानी बॉईल कैसे होता है। आप सबने अपने घरों में पानी बॉईल करा होगा या होते देखा होगा। तो आखिर देखते हैं ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक कंटेनर में हमने पानी रखा है। ये कंटेनर ऊपर से ओपन है, इसको हमने लिड से पैक नहीं करा है, और नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हीट प्रोवाइड होगी पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, जिसकी वजह से पानी के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, और उसी तरह एक्सटर्नली एक प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। अब धीरे धीरे पानी का ये वेपर या पानी के ये बबल्स बाहर वेपर में जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे बबल्स का अमाउंट बढ़ते जाएगा, इसका मतलब वेपर का अमाउंट बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये जो इंटरनल प्रेशर है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर से बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। अब अगर इसके आगे हमने थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया एक्सटर्नल से, तो वो बाहर के मॉलिक्यूल्स को पुश करके वेपर में जा सकता है। टेम्परेचर पे ये पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल अचीव होता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह अगर 1 बार पे हम बॉइलिंग पॉइंट निकाले तो वो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन अगर हम प्रिसाइज वैल्यूज देखना चाहे तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर बड़ा होता है 1 बार से। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आपका 99.6 डिग्री सेल्सियस आता है।
इससे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे भी पॉइंट भी डिक्रीज होगा। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिर हिली एरियाज पे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? इस सवाल को सोचने के लिए आपको एक मिनट मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिली एरियाज पे प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हिली एरियाज पे आपका खाना जल्दी बन जाता है।